मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो हम लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सारे इंसेक्ट्स जो हैं हमारे लेपिडोप्टेरा के कोलियोप्टेरा के इवन डिप्टेरा के हाइमिनोप्टेरा ऑर्थोप्टेरा सभी ऑर्डर्स जो हैं उनके इंसेक्ट जो है वो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं ओके okay? तो उसके अंदर आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा वो कौन सा है अनार बटरफ्लाई या अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो हम इसे क्या कहेंगे अनार की तितली कहेंगे क्या कहेंगे बेटा अनार की तितली कहा जाएगा ठीक है तो बटरफ्लाई का मतलब क्या है तितली है ठीक है तो हम इसे नाम क्या देते हैं अनार की तितली या अनार बटरफ्लाई कहेंगे सबसे पहले हम बात कर ले इसके लिए कि इसका नाम जो है वो वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाएगा तो याद रखेंगे क्या कहते हैं इसको हम ला आइसोक्रेटस क्या कहेंगे बेटा वीरा कोला आइसोक्रेटस जो है इसको कहा जाता है ठीक है चलिए अब ये वीरा कोला आइसोक्रेटस जो है इसको कई जो बच्चे हैं वो वीराचोला आइसोक्रेटस भी कहते हैं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है ये सिंपल सी बात है तो आप वीराकोला आइसोक्रेटस भी कह सकते हैं और वीराचोला आइसोक्रेटस भी कह सकते हैं ठीक है चलिए बट दूसरा जो इसके लिए हमें याद रखना है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बात करेंगे कब जेट की कौन से ईयर की 2021 की तो क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि इसका दूसरा वैज्ञानिक नाम क्या था ओके okay? हमें नाम दिया गया था वहां पर ठीक है क्या नाम दिया उन्होंने ड्यूडोरिक्स क्या नाम दिया उन्होंने हमें नाम दिया ड्यूडो रिक्स और पूरा नाम बिल्कुल वही क्या नाम आएगा आइसोक्रेटस क्या नाम दिया उन्होंने आइसोक्रेटस ठीक है तो इसका जो दूसरा वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है? तो ये जो है वो 2021 के अंदर पूछा गया कि जो ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस है ये कौन से कीट का वैज्ञानिक नाम है तो हमने क्या कहा कि सर ये तो किसका है अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम है यही आंसर जो है वो वहां पर माना गया ठीक है तो इसके दो नाम है हमें याद रखना है इसकी जो जीनस है वो दो जीनस हमें मिलती है एक तो कौन सी है आइसोक्रेटस और दूसरी कौन सी है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस किसकी है बेटा अनार बटरफ्लाई की ये हमारी जो दो हमारे पास अलग अलग इसकी जो जातियां हैं वो हमें याद रखनी है ओके चलिए अब बात कर ले इसके अंदर नेक्स्ट किसकी इसके गण की कि इसका गण या फिर ऑर्डर कौन सा है तो हमने तो पहले ही नाम लिख दिया इसका क्या नाम लिखा अनार की तितली लिखा क्या लिखा बेटा तितली ठीक है और हम पहले जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी बात कर ली थी कि तितली अगर शब्द आ गया तो वो कौन से गण का प्राणी होगा लेपी का किसका होगा बेटा लेपी डॉपटेरा गण का प्राणी होगा तो इसीलिए इसका जो हमारा गण है वो कौन सा है लेपी है ठीक है क्लियर है चीज चलिए नेक्स्ट बात कर ले बेटा इसके हम फैमिली या कुल की बात करें तो ये कौन से कुल का प्राणी होता है ये हमें अच्छे से याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं बेटा लाइके नीडी कहते हैं क्या बोलते हैं लाइके नीडी ठीक है ये जो हमारा ऑर्डर है हमारे जो लेपिडोप्टेरा उसके अंदर जो कुल हमारा छोटा सा नाम जो नया आया है अभी तक हमने लेपिडोप्टेरा के अंदर जब बात करी थी तो हमारे पास एक तो कौन सा आया था हमारा जो आ, बाजरा और ज्वार का मुख्य कीट हमारा रेड हेरी कैटरपिलर ठीक है या तो वो कौन से कुल का प्राणी था बेटा हमारे सबसे पहले हमने बात करी एक्रीडीडी का था दूसरी हमने बात करी हमारे चने की फली छेदक जो था ठीक है वो भी लेपिडोप्टेरा का था लेकिन उसका कुल कौन सा था हमारा नोक्टुईडी ठीक है ये लास्ट जो हमें याद रखना है ये कौन से कुल का है लाइकेनिडी का है ठीक है की बात करें तो इसको हम एक नाम और देते हैं इसको हम कहते हैं स्केरेबीडी क्या कहते हैं कहते हैं ठीक है थीके? और स्केर का मतलब क्या होता है ये जो स्केरेबीडी जो है ये इंग्लिश का वर्ड है इसके अंदर हमने वर्ड यूज किया है स्केर और स्केर का मतलब होता है डरावना या फिर हम कह सकते हैं डरना ठीक है तो इसका जो लार्वा होता है उसका शेप उसका जो रंग है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसे देख कर जो दूसरे कीट है वो डर जाते हैं इसीलिए हमने इसका जो कुल है उसको नाम क्या दिया बेटा स्कैरेबिडी कहा क्या कहा स्कैरेबिडी ठीक है तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है क्या नाम है वीरा कोला आइसोक्रेटस और ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस जिसमें से ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेटस इसी साल जेट में पूछा हुआ है ठीक है इसका जो गण है वो कौन सा है लेपिडोपटेरा और कुल कौन सा है इसका लाइकेनिडी या फिर हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं कौन सा स्कैरेबिडी ठीक है चलिए अब ये जो हमने यहाँ पर बात करी ये किसके लिए करी इसके इंट्रोडक्शन के लिए कुछ चीजें और भी हैं वो भी हम बात कर ले तो सेकंड हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कीट है इस कीट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है तो हम यहां पर बात करेंगे बेटा सबसे पहले कि इसके अंदर मुखांग जो है वो कैसे मिलेंगे ठीक है तो मुखांग जो है वो भी हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी हमने अभी गण इसका लिखा कौन सा लेपिडोप्टेरा है ना तो लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट है उनमें मुखांग कैसे मिलते हैं ठीक है थेके? तो हमने वहां पर लिखे थे कैसे मिलेंगे साइफनाकार मिलेंगे कैसे मिलेंगे साइफनाकार ठीक है क्योंकि ये क्या है तितली है एक लेपिडोप्टेरा गण कीट तो मुखांग कैसे मिले साइफनाकार है ना सिंपल सा है नेक्स्ट हम बात करें बेटा मुखांग के अलावा अगर बात करेंगे हम किसकी कायांतरण की तो इसमें जो कायांतरण हमें मिल रहा है वो कैसा मिलेगा तो हम कहेंगे कि पूर्ण प्रकार का मिलेगा कैसा मिलेगा पूर्ण प्रकार का कायांतरण मिलेगा जिसके अंदर कितनी अवस्थाएं मिलेगी जीवन काल में चार अवस्थाएं मिलेगी अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क ठीक है हमने ण वैसे भी याद किया है कि हमारे पास ट्रिक है के एच एल ओ डी अगर ये चार गण होंगे हाइमिनोप्टेरा लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा तो उसके अंदर कैसा होगा पूर्ण होगा ठीक है चलिए फिर हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है क्षति या फिर इससे होने वाली हानि ठीक है तो क्षति या हानि के लिए सबसे पहले याद रखना है कि ये किस प्रकार का कीट है बेटा बहुबक्शी कीट है कैसा कीट है यह एक बहुबक्षी कीट जो है वो होता है ठीक है बहुबक्शी का मतलब क्या है कि ये एक से ज्यादा कुल की फसलों को क्या करेगा नुकसान पहुंचाएगा ठीक है तो अब यहां पर देख ले कौन कौन सी कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाता है तो हमने नाम क्या लिखा था इसका अनार की तितली ठीक है तो अनार को तो नुकसान पहुंचाया गई ठीक है दूसरी हम बात करें बेटा इसके अलावा ये नुकसान किसमें पहुंचाता है अमरूद में नुकसान पहुंचाता है किसके अंदर अमरूद में तीसरी बात कर ले तो और इसके अलावा किसमें नुकसान पहुंचाता है सेब में और लास्ट हम बात करें बेटा तो किसके अंदर नुकसान पहुंचाएगा ये बेर के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है ठीक है तो ये टोटल हमारे पास कितनी इसकी जो कुल है जिसमें नुकसान पहुंचा रहा है वो आ गए तो हम कहेंगे कि टोटल हमारे पास चार ऐसे कुल हैं जो इसके नुकसान पहुंचाने वाले हैं ठीक है चलिए अनार की बात करें तो अनार जो है बेटा वो कौन से कुल का है तो आप कहेंगे कि सर ये तो पुनी केसी का है किसका है पुनी केसी ठीक है तो एक कुल तो ये हो गया दूसरी हम बात करें अमरूद की तो अमरूद किसका है बेटा मिल्टेसी कुल का है किसका है मिल्टेसी कुल का ठीक है सेब की बात करें तो इसका कुल कौन सा है रोजेसी कौन सा कुल है इसका रोजेसी कुल का है और लास्ट बात करें बेटा हम किसकी बेर की तो इसके लिए हम कहेंगे ये किसका है हमारा रेमनेसी फैमिली का है कौन से कुल का है बेटा रेमनेसी फैमिली का फल जो है वो है तो आप यह खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कुल आ गए चार कुल आए पुनी केसी मिर्टेसी रोजेसी और रेमनेसी तो हमारे चार कुल की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है इसीलिए हमने क्या कहा इसे बहुबक्शी कीट कहा क्या कहा हमने इसे बहुबक्षी कीट समझ में आ गया अच्छे से चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि ये क्षति पहुंचा रहा है बहुबक्शी कीट है पर ये क्षति कैसे पहुंचाता है मीन्स ऐसा क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पौधों के अंदर क्षति हो रही है हमारे फसलों में क्षति हो रही है तो यहां से हम याद रखेंगे कि ये जो हानि पहुंचाता है वो हानि क्या पहुंचाता है ये फलों पर आक्रमण करता है किस पर आक्रमण करता है फलों पर आक्रमण करेगा ठीक है और फलों पर आक्रमण जो है वो कौन सी अवस्था करती है लार्वा अवस्था करती है कौन सी अवस्था लार्वा अवस्था ठीक है इसके अलावा अगर आप बात करें कि सर क्या अंडा नुकसान पहुंचाएगा तो बिल्कुल नहीं ठीक है लार्वा नुकसान पहुंचा रहा है उसके बाद बनने वाली अगली अवस्था कौन सी प्यूपा तो क्या प्यूपा नुकसान पहुंचाएगा तो नहीं प्यूपा तो अपने करवा चौथ के व्रत पे है ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा ठीक है और लास्ट बात करें वयस्क की तो हमने अभी बात करी वयस्क के अंदर मुखांग कैसे हैं साइफनाकार है कैसे हैं साइफनाकार तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो केवल नुकसान कौन पहुंचाता है हमारे लार्वा अवस्था पहुंचाती है कौन सी अवस्था पहुंचाएगी बेटा लार्वा अवस्था जो है वो नुकसान पहुंचाती है ओके नेक्स्ट बात करें कि नुकसान क्या पहुंचाती है तो फलों पर आक्रमण करिए क्या करता है हमारा जो मीजो कार्प है कौन सा भाग है बेटा मीजोकार्प या आप कह सकते हैं हमारे जो फल का गुदा भाग है कौन सा भाग है गुदा भाग मतलब जो स्पंज टाइप है जिसको खाने योग्य जो भाग है जैसे अमरूद की बात करें तो बीजों के ऊपर जो भाग है जो उससे कवर है वो बेर के अंदर बात करें तो हमारे फल जो है उसके अंदर का भाग जो है गुटली और सबसे बाहरी त्वचा के बीज का भाग वो क्या है हमारा मीजो या गुदा भाग है ये उसको नुकसान पहुंचाता है और कई बार ये क्या करता है बीजों को भी हानि पहुंचाता है ये हमारे जो आ, अनार है उसके अंदर बीजों को भी नहीं छोड़ते ठीक है इसके मुखांग बड़े मजबूत होते हैं इसलिए क्या करता है बीजों को भी खा जाता है बीजों को भी नुकसान पहुंचाता है ठीक है समझ में आ गई बात सिंपल सा हानि के लिए इतना सा याद रखना है कि ये हानि किसको पहुंचाता है हमारे फलों को हानि पहुंचाएगा ठीक है बात करेंगे कि इसका कौन सी अवस्था जो है वो हानि पहुंचाती है तो हम कहेंगे केवल और केवल लार्वा अवस्था जो फलों के मीजो कार को या गुदा भाग को खा जाती है और उसके साथ साथ ये बीजों को भी नुकसान पहुंचाती है ठीक है समझ में आ गई बात सिंपल सा है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ओके चलिए फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है कि अगर आपने कहीं अनार की तितली देखी तो आप अनार की तितली को पहचानेंगे कैसे किस तरह से हम पता लगाएंगे कि ये अनार की तितली है ठीक है तो उसके लिए हमें याद रखना है कुछ खास जो है इसकी पहचान के तरीके जो है हमारे पास है अगर हम पिछली स्लाइड पर वापस चले तो वहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं ठीक है यहां से हम बात करें बेटा तो पहली ये जो स्लाइड पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नीले रंग की या बैंगनी रंग की जो चमकीली सी आपको तितली दिख रही है ये क्या है हमारे नर ठीक है तो जो अनार की तितली है उसका नर जो है वो कैसा दिखाई देता है बेटा हमको बिल्कुल चमकता हुआ सा नीले रंग का हमको दिखाई देता है ठीक है तो ये इस तरह से क्या होंगे इसके नर होंगे और अगर बात करें कि इसके अंदर मादा किस प्रकार की होगी तो हम कहेंगे मादा जो है वो कैसी होती है बेटा चमकीले पीले रंग की होती है किस रंग की होती है चमकीले पीले और थोड़े थोड़े से भूरे रंग की दिखाई देती है तो एक बार इसको लिख ले दोनों चीजें क्या कहती है कि हमारे जो नर हैं वो कैसे होते हैं बेटा चमकीले नीले रंग के होते हैं किस रंग के चमकीले नीले रंग के और अगर हम मादा की बात करें तो मादा कैसी है इसके अंदर चमकीले पीले रंग की है किस रंग की बेटा चमकीले पीले रंग की होती है ये दोनों चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है हमारे एग्जाम के अंदर ट्वेल्थ के बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है कि इसको हम किस तरह से पहचानेंगे ठीक है चलिए अब ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में हमारे जो वयस्क है उसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी लार्वा की कि इसका लार्वा जो है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है ठीक है तो लार्वा के अंदर हम देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसका लार्वा जो है वो हमको दिखाई देता है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ये क्या है हमारे बीज हैं अनार के उसके बीच में ये जो लार्वा हमें दिख रहा है ये किसका है अनार की तितली का है ठीक है नॉर्मल देखने में हम तो नहीं बट जो दूसरे हमारे लार्वा है या दूसरे कीट जो है उनके लिए ये काफी एक तरह से डरावना सा एक लार्वा होता है इसीलिए हमने इसके कुल को क्या कहा स्कैरेबिडी कहा क्या कहा स्कैरेबिडी ठीक है तो इसका जो लार्वा है अगर हम बात करें उसकी पहचान की तो इसका जो लार्वा होता है वो कैसा है बेटा उसके लिए याद रखें लार्वा जो है उसका रंग कैसा होता है भूरा या काला रंग होगा ठीक है और उस पर क्या होते हैं सफेद धब्बे होते हैं क्या होते हैं बेटा सफेद धब्बे जो है वो उसके शरीर पर पाए जाते हैं अगर ऐसा लार्वा है तो हम उसे क्या कहेंगे हमारे जो अनार की है उसका ये लार्वा होगा ओके चलिए फिर हम बात करें बेटा कि ये जो हमारा कीट है इस कीट के अंदर जो कायांतरण है वो किस प्रकार का इसका जीवन काल कैसे बीत रहा है किस तरह से ये अपना जीवन पूरा करता है तो उसकी बात कर ले ठीक है तो जीवन काल के लिए हमने अभी बात करी कि इसके अंदर कैसा कायांतरण है पूर्ण कायांतरण है ना पूर्ण कायांतरण है तो कितने इसके अवस्थाएं मिलेगी चार कौन कौन सी मिलेगी नाम आप जानते हैं अच्छे से पहला हमारा जो इसकी अवस्था है बेटा वो कौन सी होगी सबसे पहले अंडा ठीक है जब अंडा परिपक्व हो जाएगा तो अंडे से क्या बनेगा लार्वा बनेगा ना ठीक है और जब लार्वा जो है इसने अपना भोजन पूरा कर लिया तो उससे क्या बनेगा प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा के बाद हम बात करें तो लास्ट में क्या बनेगा इससे वयस्क बनेगा ठीक है तो हमारे पास टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई इसकी चार अवस्थाएं अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क ठीक है अगर बात करें अंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है पहली चीज कि इसकी संख्या कितनी होती है ठीक है तो इसकी जो संख्या है वो लगभग कितनी है बेटा 50 से 150 अंडे है कितने अंडे देता है लगभग इसका जो वयस्क वो 50 से 150 अंडे जो है वो देता है ठीक है सेकंड हम बात करें कि संख्या तो ठीक है सर लेकिन अंडे देता कहाँ पर है तो हम बात करेंगे कि मृदा पर देगा या फिर कहीं और देगा तो इसके लिए ध्यान रखें कि ये जो हमारा कीट है वो हमारे जो फल होते हैं या फिर हम फूल ही कहें हमारे जो फूल है उसमें कैलिक्स भाग पर अंडे देता है कौन से भाग पर कैलिक्स भाग जो है उस पर अपने अंडे जो है वो देता है ठीक है अब यहां पर एक बार हम देख लें कि ये कैलिक्स भाग क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं ठीक है यहां पर देखें ये जो आप एक फ्रूट देख रहे हैं जिसके अंदर हमें क्षति भी दिख रही है डैमेज भी दिख रहा है उसके अंदर यहाँ पर जैसे ये अनार है तो एक तरफ से तो ये पेड़ से जुड़ा हुआ है उसके जो हमारी ब्रांचेस है उसकी टहनिया है उससे जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एक ऐसा भाग जो है वो हमको दिख रहा है बेटा जो क्या है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं एंथर्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं या नहीं है ना तो ये छोटे छोटे जो हमारे पराग कण हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे जो पुंकेसर हमको दिखाई दे रहे हैं एंथर्स ये क्या था पहले वास्तव में हमारा फूल था क्या था फूल और फिर उसके बाद फूल का जो पिछला भाग है थैलेमस ये आकार में बढ़कर इसने क्या बना लिया फल बना लिया ठीक है तो ये कीट क्या करता है जिस समय पर हमारे फल जो है वो आने वाले हैं जिस समय पर फूल जो है वो बड़े के तो उस टाइम पर ये हमारे फूलों के अंदर जाकर इसकी तितली है वो इन फूलों के अंदर ही क्या करती है यहाँ पर अपने अंडे दे, दे देती है और ये भाग जो है इसी भाग को क्या कहा जाता है कैलिक्स भाग कहा जाता है क्या कहा जाएगा कैलिक्स भाग कहा जाएगा ठीक है आपने गुलाब का फूल देखा होगा ठीक है गुलाब के फूल में अगर हम बात करें इस तरह से अगर ये हमारा गुलाब का फूल है ये इसकी पंखुड़िया जो है वो हो गई तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डंडी यहाँ पर है उससे जुड़ी हुई कुछ जो हरी पत्तियां हैं वो हरी पत्तियां हमें गुलाब के जस्ट नीचे दिखाई देती है दिखाई देती है ना ठीक है तो ऊपर जो हमारा रंग है वो कैसा है लाल रंग का फूल है लेकिन इसके जस्ट नीचे हरे रंग की कुछ पत्तियां जो है चार पांच पत्तियां हमें दिखती है इसको हम क्या कहते हैं कैलिक्स कहते हैं क्या कहेंगे कैलिक्स कहेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से अनार के अंदर जो कैलिक्स भाग है उस पर ये अपने अंडे देता है तो हमको यही से याद रखनी है बहुत ही सिंपल सी चीज की अंडो अंडे जो है वो कहां पर दिए इन्होंने बेटा कैलिक्स भाग पर दिए हैं ठीक है अब वो कैलिक्स बाग फूल का भी हो सकता है और अगर उससे फल बन गया तो फल पर भी दे सकता है ठीक है तो फूल या फल के कैलिक्स बाग पर ये क्या करता है अपने अंडे जो है वो देता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो हमारे अंडे हैं उनका उष्मायन काल कितना होता है ठीक है उष्मायन काल का मतलब क्या है कि कितने दिन बाद इससे लार्वा निकलेंगे ठीक है मतलब अंडा कितने दिनों में पक रहा है कितने दिनों में हैच हो जाएगा तो हम कहेंगे लगभग सात से दस दिन जो है इसको पकने में लगते हैं उसके बाद इससे क्या निकलेंगे लार्वा निकलेंगे ठीक है तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो स्थान है यहां पर जो आपको कभी नहीं भूलना है कि अनार की तितली किस जगह पर अपने अंडे देगी तो हम कहेंगे कैलिक्स भाग पर अपने अंडे देती है ठीक है चलिए सेकेंड हम बात करें बेटा लार्वा के लिए तो लार्वा के लिए पहली चीज तो याद क्या रखनी है कि ये क्या है हमारी क्षतिकारक अवस्था है कौन सी अवस्था है क्षतिकारक अवस्था क्योंकि सिर्फ इसके अंदर यही ऐसी अवस्था है जो नुकसान पहुंचा सकती है इसके अलावा कोई अवस्था दूसरी नुकसान नहीं पहुंचा सकती ठीक है फिर हम बात करें बेटा ये क्षति जो पहुंचाती है वो किसको क्षति पहुंचाएगी तो हम कहेंगे कि ये फलों को नुकसान पहुंचाती है फलों को हानि पहुंचाती है किसको हानि पहुंचाएगी फलों को और फलों में भी अगर हम बात करें कि कौन से भाग को तो हम कहेंगे मीजो कार्प भाग को या गुदा भाग जो है उसको क्या करती है नुकसान पहुंचाती है ठीक है तो ये हमारे लिए क्या हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो गया आप जब भी लाइफ साइकिल बनाएंगे किसी भी इंसेक्ट की जब भी बात करेंगे तो उस समय पर हमेशा क्या करना है इस तरह से कुछ चीजें जो है उस लाइफ साइकिल के साथ लिखेंगे तो उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है वो बनता है ठीक है तो ट्वेल्थ के लिए याद रखें चलिए फिर हम बात करें कि जब लार्वा जो है उसने जितना खाना खाना था वो खा लिया तो उसके बाद क्या होगा तो हम कहेंगे सर वो फिर लार्वा से किस में बदल जाएगी प्यूपा में अब बात करें लगभग इसके लिए कितना समय लगता है तो हम कहेंगे लगभग पंद्रह से पैंतालीस दिन का समय लगता है वैसे ये अठारह है तो हम नॉर्मली कह सकते हैं अठारह से पैंतालीस है या पंद्रह से पैंतालीस है ठीक है तो इसको अठारह कर दे तो लगभग अठारह से पैंतालीस दिन का जो है वो समय लगता है और उसके बाद फिर ये लार्वा इतना नुकसान पहुँचा फिर किस में बदलता है प्यूपा में बदलता है किसके अंदर बदलता है बेटा प्यूपा में ठीक है प्यूपा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा हुआ है कि इसकी प्यूपा अवस्था कहाँ पर रहती है ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके की कि हमारे फलों पर नुकसान इसने पहुंचाया अब फलों पर नुकसान पहुंचाने के बाद इसका जो लार्वा है वो कहीं और जाता ही नहीं ना जमीन में जाएगा ना पेड़ पे किसी और जगह जाता है ये उसी फल के पास में ही रहता है और वहीं पर ये क्या करता है हमारे प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि प्यूपा जो है वो किस जगह पर रहेगा कौन से स्थान पर रहेगा तो हम कहेंगे ये हमारे फलों के डंठल पर रहता है कहां पर रहता है फलों के डंठल पर रहता है वहां पर प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होता है ठीक है डंठल क्या है आप अच्छे से जानते होंगे मान लिया ये हमारी क्या है एक शाखा है हमारी ब्रांचेस हैं जिसके ऊपर फल लगा है और अगर हमने इस तरह से मान लिया ये हमारी एक छोटी सी जो है वो शाखा है जिस पर क्या कर रहा है फल लग रहा है ठीक है तो ये तो हमारी क्या हो गई बेटा मेन शाखा हो गई ठीक है ये हमारा फल हो गया और इसके बीच में जो जोड़ने वाला भाग है जिससे शाखा से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे डंठल कहेंगे क्या कहेंगे डंठल तो इसका जो प्यूपा है वो इस तरह से क्या करता है इस डंठल के ऊपर ही यही पर चिपक कर क्या करता है अपना जीवन काल जो है वो प्यूपा अवस्था में पूरा करता है ठीक है तो हमें केवल स्थान जो है वो मेन याद रखना बेटा स्थान क्या है पर फूलों के या फलों के डंठल पर ये अपना प्यूपा अवस्था निकालता है और लास्ट बात करें कि ये कितने दिन तक रहेगा तो लगभग पंद्रह से तीस दिन का इसका प्यूपा का काल होता है कितने दिन का होता है पंद्रह से तीस दिन मतलब केवल दो हफ्ते से चार हफ्ते के अंदर ही एक महीने के अंदर ये वापस प्यूपा से क्या बन जाता है वयस्क बन जाता है क्या बन जाएगा बेटा वयस्क बन जाएगा और वयस्क वयस्क के लिए हमने इंपॉर्टेंट चीजें बात कर ली कि अगर ये जो है वो नर होगा तो ये किस रंग का होगा बेटा चमकीले नीले रंग का होगा और अगर ये मादा होगी तो किस रंग की होगी चमकीले भूरे रंग की होगी हम पहले बात कर चुके ठीक है चलिए अगर बात करें इसके मुखांग की हाँ बेटा बुरा पीला ठीक है इसकी जो मादा है वो किस रंग की है बेटा हमारे चमकीले पीले रंग की है किस रंग की है चमकीले पीले रंग की जो है वो इसके अंदर दिखेगी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है इसका मुखांग है कि इसके अंदर मुखांग कैसे मिल रहे हैं तो वो भी हम याद कर चुके हैं मुखांग कैसे मिलेंगे हमें साइफनाकार मिलेंगे कैसे मिलेंगे साइफनाकार ठीक है चलिए अब एक बार थोड़ा सा जो है वो हम इसे काउंट कर लें देख लें यहाँ पर कितने दिन हुए सात से दस दिन फिर वापस लगभग पैंतालीस दिन तो हम कह सकते हैं दो माह और उसके बाद हमने एक महीने का समय और ले लिया तो लगभग तीन माह के अंदर एक जीवन काल जो है वो पूर्ण हो रहा है तो याद रखेंगे इसका एक वर्ष में कितने जीवन काल या कितनी जो हमारी जनरेशन है वो पूर्ण हो जाती है तो लगभग तीन से चार संतति जो है ठीक है या फिर हम इसकी जो जनरेशन कह सकते हैं वो एक साल में कंप्लीट होती है ठीक है तो लगभग तीन से चार इसकी जो स्टेजेस हैं वो हमें एक साल के अंदर देखने को मिल जाती है ये हमें याद रखना है किसके लिए हमारे अनार की तितली के लिए ओके चले फिर उसके बाद हम बात करें बेटा इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि अब इससे रिलेटेड हानि हमने पढ़ ली पहचान पढ़ ली लास्ट में क्या करना है इसका नियंत्रण करना है ठीक है उससे पहले कुछ फोटोग्राफ्स वो एक बार हम देख लें ठीक है तो नेक्स्ट यहां पर देखें कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहा है तो ये तो हमारा क्या है कैलिक्स बाग जो है वो है यहां पर आप देख सकते हैं ये कैलिक्स बाग है तो यहां पर यह अपने अंडे देगा और फिर जब लार्वा निकलेगा तो लार्वा क्या करता है इसी फल के अंदर यहीं पर आक्रमण कर देता है और इस वजह से उसके अंदर जो है वो छेद बन जाते हैं और अगर किसी फल के अंदर ऐसे छेद बन गए तो फिर उसके अंदर वहां पर कवक वृद्धि जीवाणु की वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से फल क्या होता है सड़ जाता है ठीक है और अंदर लार्वा जो है वो नुकसान पहुंचाए रहा है ठीक है तो इस तरह से फल जो है वो क्या करते हैं जल्दी पक जाते हैं और ये पेड़ से घिर नष्ट हो जाते हैं ऐसे फल किसी काम के नहीं रहते ठीक है चलो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि ये तो हमारा लार्वा है ये इस तरह से नुकसान जो है वो पहुंचाएगा लार्वा हमने देख भी लिया चलिए फिर बात करें लाइफ साइकिल की एक लाइफ साइकिल आपको यहाँ बताई भी गई है जो हमने डिस्कस करी है सबसे पहले ये क्या देगा अपने अंडे देगा अंडे से क्या बना बेटा लार्वा लार्वा से फिर क्या बनेगा इसका प्यूपा और प्यूपा से क्या बन जाएगा वयस्क बन जाएगा वो हम पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके चलिए लास्ट हमें बात करनी है वो क्या है कि किस तरह से इसका प्रबंधन जो है वो प्रबंधन हमें करना होता है ठीक है तो प्रबंधन की बात करें बेटा तो प्रबंधन के अंदर सबसे पहला ध्यान रखना है कि किस तरह से हम बिना रसायन के इसको नियंत्रित कर सकते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहली चीज कि इसके लिए इंसेक्ट नेट या हम कहें कीट रोधी जाली का उपयोग करना है किसका उपयोग करना है कीट रोधी जालियों का उपयोग करना है ठीक है किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर समझ लें तो हमारे जो फल है जो डंठल से लगे हुए हैं ठीक है इन फलों के चारों तरफ हम क्या करते हैं इस तरह से जो नेट है या फिर जो मैश है उसको हम क्या करते हैं इस तरह से यहाँ पर बांध देते हैं ठीक है तो जैसे ही हमारे फल आने लगे हैं उस टाइम पर अगर हमने इसे बांध दिया तो क्या कीट जो इसके अंदर जा पाएगा तो हम कहेंगे नहीं जा पाएगा ठीक है इसलिए इसका नुकसान जो है वहां पर हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं ठीक है सेकेंड हम बात करें इसके अलावा और क्या किया जा सकता है तो जो भी हमारे रोग ग्रसित या हम कह सकते हैं हमारे जो कीट ग्रसित फल है ठीक है उन कीट ग्रसित फलों को नष्ट करना है ठीक है उन फलों को क्या करें नष्ट कर दे ताकि जो लार्वा है वो दूसरे किसी फल पर वापस से नुकसान नहीं पहुंचा सके ठीक है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहां पर बात करनी है जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें याद रखना है जिससे क्वेश्चन जो है इस बार पूछा हुआ है वो है हमारा रासायनिक प्रबंधन जिसके अंदर हमें बात करनी है किसके बारे में सर्वांगी कीटनाशी के उपयोग के बारे में बात करनी है ठीक है कि सर्वांगी कीटनाशी जो है उनका उपयोग जो है वो कैसे करें ठीक है तो यहां पर हमें पता है हमारा कीट जो है वो नुकसान कहां पहुंचा रहा है फल के अंदर ठीक है अगर आपने हमारे पौधे के ऊपर फल के बाहर छिड़काव भी कर दिया तो क्या उसका कोई असर होगा क्या तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो इसीलिए हमें यहाँ पर ऐसे कीटनाशी उपयोग करने हैं जो कैसे हैं सर्वांगी है मतलब जो हमारे पौधे के या हमारे पेड़ के पूरे शरीर में हर जगह फैल जाए और उसके बाद अगर कोई भी कीट उस पर आक्रमण भी कर दे तो भी उस रस का या उस रसायन का या उस विष का असर जो है वो उसकीट पर हो ठीक है तो अगर हम इंग्लिश में बात करें बेटा तो सर्वांगी कीटनाशी को हम क्या कहते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड क्या कहेंगे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ओके सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है जो सिस्टम में फैल जाते हैं और उसके नाम जो है वो हम याद भी कर चुके हैं नहीं हो तो एक बार वापस देख लें एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है इमिडाक्लोप्रिड कौन सा है बेटा इमिडाक्लोप्रिड ठीक है तो इमिडाक्लोप्रिड है दूसरा हम बात करें तो हमारे पास कौन सा है डाई मिथोएट कौन सा है डाइमिथोएट एक हमारे पास यहां पर जो बेटा वो कौन सा है मिथाइल डेमेटोन कौन सा है मिथाइल डेमेटोन एक हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है वो कौन सा है साइपर मैथ्रिन कौन सा है साइपर मैथ्रिन ओके एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है बेटा मेटा सिस्टॉक्स कौन सा है मैसा मेटा सिस्टॉक्स ठीक है तो ये हमारे पास बेटा कितने नाम है पांच ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है जो कैसे सर्वांगी कीटनाशी है याद क्या रखना है इतनी सी चीज कि सर्वांगी कीटनाशी क्या करते हैं पौधे के शरीर में फैल जाते हैं किसके शरीर में फैल जाते हैं पौधे के शरीर में फैल जाते हैं ठीक है, है. और उसके बाद ये अपना असर दिखाते हैं उसको हम क्या कहेंगे सर्वांगी कीटनाशी कहेंगे तो हमें इसके नियंत्रण के लिए सर्वांगी कीटनाशी उपयोग करने होंगे कौन कौन से कर रहे हैं उनके नाम अच्छे से याद रखना इमिडाक्लोपरेट डाइमिथोट मिथाइल डेमेटोन साइपर मैथ्रीन और कौन सा है इसमें से जो इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी बात कर ले तो ये जो डाइमिथोएट नाम दिया हुआ है वो हमसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा हुआ था ठीक है चार नाम ऑप्शन में दे रखे थे और ये पूछा था कि निम्न में से सर्वांगी कीटनाशी कौन सा है आंसर क्या गया डाइमिथोए ठीक है तो ये हमारा जो अनार की तितली जो है वो हमने आज कंप्लीट किया ओके आई होप समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल सा है हम पहले ही सारे जो गण है उसके मुखांग है उसका कायांतरण है उसके बारे में बात कर चुके हैं ठीक है टिके? तो चलिए बहुत ये जो है लास्ट जो है आपको याद रखने वाली चीज है वो आपके सर्वांगी कीटनाशी है इसको कभी नहीं भूलेंगे इसको हमेशा याद रखेंगे ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू